तारीख 28 सितंबर 1991, समय 3:45। भिलाई के हुड़कों में बिल्कुल सन्नाटा था और तभी एक आवाज़ आती है। आवाज़ गोली की, वो गोली जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे चर्चित हत्याकांड के रूप में दर्ज हो गई। इतिहास में दर्ज होना लाजमी भी था, क्योंकि इस गोली ने उस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, जिससे पूंजीवादी कांपने लगते थे, जिससे सरकार तक डरने लगती थी, जिस आवाज़ ने कॉरपोरेट के शोषण के खिलाफ हल्ला बोल किया था, जो आवाज़ छत्तीसगढ़ में गूंज उठी थी। ये आवाज़ थी कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी की। आज शंकर गुहा नियोगी का शहादत दिवस है। आइए आपको सुनाते हैं उस चर्चित हत्याकांड की कहानी। कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी का असली नाम था धीरेश। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 19 फरवरी 1943 को हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले नियोगी की शिक्षा जलपाईगुड़ी में ही हुई थी। वे छात्र जीवन से आक्रामक और संघर्षशील रहे थे। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्थानीय इकाई में संयुक्त सचिव भी रहे। 60 का दशक, इस दशक में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की जोर शोर से शुरुआत हो चुकी थी। दुर्ग जिले के भिलाई में एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट की नींव रखी जा चुकी थी। स्टील प्लांट के लिए दल्ली राजहरा के बड़े इलाके में लौह अयस्क के लिए कई खदानें प्रारंभ हो गई थी। प्लांट और इन खदानों में काम करने के लिए देश भर से पढ़े लिखे और कुशल कामगार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे थे। इसी 60 के दशक में जलपाईगुड़ी से धीरेश भिलाई आ गए। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि भिलाई में धीरेश के मामा रहते थे। उनके मामा स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। उनके मामा ने धीरेश को भी स्टील प्लांट में नौकरी लगवा दी। धीरेश को काम स्टील प्लांट के कोक वन में मिला। कुछ वर्षों में धीरेश मजदूरों के हित में काम करते करते उनके बीच लोकप्रिय हो गए। उन्होंने मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया। मजदूरों को उनके हक अधिकार के लिए लड़ना भी सिखाया उन्होंने। सन 1967 में उन्होंने मजदूरों को एकजुट कर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हड़ताल की शुरुआत हो गई। मजदूरों का ये सरकारी उपक्रम में बड़ी हड़ताल थी। बीएसपी प्रबंधन को मजदूरों के समक्ष झुकना पड़ा और उनकी मांगे मानी गई, लेकिन प्रबंधन ने तो जैसे ही यह तय कर लिया था कि दोबारा ऐसी स्थिति न बने, लिहाजा धीरेश को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी भी चलने लगी थी। इस बीच धीरेश का संघर्ष कमजोर नहीं हुआ। धीरेश नौकरी के जाने के बाद टूटे नहीं, बल्कि और मजबूती से ऊपर उठे। उन्होंने फिर से भिलाई की सरजमी में वापसी की। इस दौरान वे बालोद जिले में पहुंच गए। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बालोद के दानी टोला में कुछ दिनों तक जंगल में ही रहे। यहाँ उन्होंने बकरी चराने का भी काम किया। दानी टोला में रहते ही उन्हें आशा नाम की युवती से प्रेम हुआ और उन्होंने कुछ समय बाद उनसे शादी कर ली। इस दौरान दल्ली राजहरा के लौह अयस्क खदानों के मजदूरों ने एक संगठन तैयार कर लिया था। इस संगठन का नाम था संयुक्त मजदूर संघ। धीरेश जब यहां पहुंचे तो नए नाम और पहचान के साथ धीरेश अब शंकर गुहा नियोगी बन गए थे और वे बीएसपी कर्मचारी से अब श्रमिकों के नेता बन चुके थे। दल्ली राजहरा स्थित बीएसपी के खदानों में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर स्टोरी लिखी है। कुछ बताते हैं कि मजदूरों से तब 14 से 16 घंटे काम लिया जाता था और उन्हें महज 2 रुपए तक रोजी दी जाती थी। इन मजदूरों का कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं था। जब शंकर गुहा नियोगी इनके बीच पहुंचे तो उन्होंने इन मजदूरों को लेकर एक संगठन तैयार किया। ये सन 1976-77 की बात होगी। गुहा नियोगी के इस संगठन का नाम था छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ। इस संगठन के बैनर तले उन्होंने मजदूरों के हक में काम करना शुरू कर दिया। संगठन तैयार होने के 2 महीने में ही इसमें करीब 10,000 मजदूर जुड़ गए। शंकर गुहा नियोगी इन मजदूरों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी। ये ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की देश में सबसे बड़ी हड़ताल थी। इसका इतना व्यापक असर हुआ कि संयंत्र प्रबंधन को मजदूरों की तमाम मांगें मांगनी पड़ी। मजदूरों का वेतन 2 रुपए से बढ़ाकर 272 रुपए
कर दिया गया। इस दौरान शंकर गुहा नियोगी ने मजदूरों के हित में एक बड़ा काम किया। ये काम था शराबबंदी का। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि नियोगी ने अपने संगठन के सभी 10,000 साथियों को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संकल्प दिलवाया कि शराब का नशा नहीं करेंगे। गुहा नियोगी से जुड़े सभी लोगों ने यही संकल्प लिया। वहीं नियोगी अपने साथियों के साथ भट्टी बंद करने की मांग को लेकर भी आंदोलन करते रहे। इन सब सामाजिक सुधार और मजदूरों के हक में लड़ने वाले नियोगी अब देश में मजदूरों के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन चुके थे। सन 1990 करीब 3 दशकों के संघर्ष में नियोगी का दायरा इतना बढ़ चुका था कि निजी कंपनियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूर संगठन भी नियोगी के संग जुड़ते चले गए। दल्ली राजहरा से लेकर भिलाई तक वे सतत मजदूरों के हित में आवाज़ उठाते रहे। इस दौरान तब उन्होंने पूंजीवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़े बड़े उद्योगपति नियोगी की ताकत से घबराने लगे थे, लिहाजा नियोगी को डराने धमकाने की कोशिशें भी होने लगी। यहाँ तक उन्हें जान से मारने की कई धमकियाँ भी मिलती रहीं, लेकिन नियोगी इन सबसे बेपरवाह रहते थे। सन 1991, जिस बात की आशंका नियोगी के साथी जताते रहे वही हुआ। तारीख थी 27 सितंबर। नियोगी किसी काम से रायपुर गए थे। रायपुर से वे देर रात भिलाई लौटे। वे भिलाई के हुड़को स्थित अपने निवास पहुंचे। वहां वे अकेले थे। रात बीतते बीतते सुबह होने को आ गई। तारीख भी बदल चुकी थी। ये तारीख थी 28 सितंबर। सुबह के 4 बज रहे थे। हुड़कों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था। नियोगी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति नियोगी के कमरे में दाखिल हुआ और उन्होंने सोते हुए नियोगी को गोली मार दी। गोली मारने वाला शख्स था पलटन मल्लाह। इस घटना को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं, जैसे ही घटना की खबर आई, भिलाई नहीं बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में इस हत्याकांड की गूंज थी। मजदूरों में आक्रोश फैल चुका था। मजदूरों को संभालना प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। मजदूर संगठन आरोप लगाते रहे कि इस घटना के पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। मामले की उच्च स्तरीय जाँच हुई। कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम भी सामने आए। कुछ की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बरी हो गए। सजा हुई सिर्फ पलटन मल्लाह को। मल्लाह को पहले फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। इस हत्याकांड के बाद नियोगी के नाम के आगे शहीद जुड़ गया। जिस समय उनकी हत्या हुई, शहीद शंकर गुहा नियोगी महज 48 साल के थे। इस हत्याकांड के बाद से ही छत्तीसगढ़ के मजदूर संगठन नियोगी को याद करते हुए उनके स्मरण 28 सितंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं।